भगत, मैं प्राथमिक विद्यालय योगी बग्घा प्रखंड संबोधन से हूँ। सबसे मैंने तो ऐसे सारा टीएलएम बनाया हुआ है, इस टीएलएम के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका नाम है मैजिक चार्ट। अच्छा, मैजिक चार्ट। वन के बच्चे जो हैं, सबसे पहले उनको हम 1 से 100 तक सिखाएंगे। यदि वह 100 तक सीख जा रहे हैं और संख्या पहचानने जान रहे हैं, तो वह 10 तक का पहाड़ा स्वतः निर्माण कर लेंगे। वो कैसे? गिनती के माध्यम से करेंगे, ठीक ना। ये बच्चे से ही लिखवाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 का 6 का सूत्र है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वह 10 तक का पहाड़ा स्वतः निर्माण करने सीख जाएंगे। अब आइए वर्ग 2 के बच्चे को, 3 के बच्चे, सम संख्या, ये हमारा सम संख्या हो गई। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन वर्ग 5 वाले बच्चे को बताएंगे वैसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे या अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4, 6, 8 रहे, उसको सम संख्या कहेंगे। आ जाएगा 25,630, वो कैसे पकड़ेगा? 5 अंक संख्या है तो वो अंतिम संख्या 0 देख करके बता देगा सम संख्या। इसको पलट दीजिए, मैजिक विषम संख्या, सम विषम संख्या हो गया। आइए अब आपको दिखाते हैं। पहले में एक क्वेश्चन आया था, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है? बच्चे को पता नहीं, बच्चे फट से देख लेंगे। 20 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 से 20 तक में 8 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या? यहाँ तक में निकाल लेंगे, आराम से बच्चे निकाल लेंगे। ये देखिए आपका, ये आपका हो गया आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है। इसको उल्टा देंगे, उल्टा पढ़ेंगे बाबू इसी को। ये हो गया हमारा घटते क्रम। चलिए आइए, ये हमारा 9 का अपवर्त हो गया, गुणज हो गया, यानी इनका गुणज। ये सब जो संख्या है हमारा 3 से भाग खा जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं, ऐसे भी समझा सकते हैं बच्चे को आरोही अवरोही। ये देखिए छोटे बच्चे के लिए ठीक पहले की संख्या, 45 से पहले 44, 45 के बाद 46। पाँचवीं के बच्चे को हम वही बताएंगे, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती इसमें 1 घटा दो, पहले की संख्या आ जाएगी 54। इनके पहले परवर्ती इसके बाद, यदि 0 को हम इसमें सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या हो गया। ठीक, इससे छोटी एक संख्या, 47 से छोटी 37, 47 से बड़ी 57। ये देखिए डायगोनल है, डायगोनल योग। या नहीं तो छोटे बच्चे को हम लोग का सवाल आता है, ऐसी संख्या 3 अंक का संख्या जोड़िए 500 पूर जाए। देखिए ये क्या करेगा, जोड़ेगा एक बच्चा, ये जोड़ेगा, दोनों का बराबर पूरेगा, जादू। ये बच्चा जोड़ेगा, इस तीनों का योग, इसका योग बराबर होगा। छोटे बच्चे को 1, 2, 1 सेकंड जोड़ेगा, 12 है।